दोस्तों गर्मियों की सब्जियों के लिए हम ठंड में ही सीडलिंग्स को जर्मिनेट करेंगे। तो सीडलिंग जर्मिनेट करने के दो तरीके हैं, या कह सकते हैं दो तरह से मीडिया तैयार कर सकते हैं हम। एक सॉइल मीडिया होगा, एक कोकोपीट मीडिया होगा। दोस्तों कोकोपीट मीडिया तो बहुत ईजी है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए कोकोपीट, और उसमें वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की सड़ी खाद मिला सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मन करे तो उसे सॉइल ट्रीटमेंट केमिकल से ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कोकोपीट का मीडिया। उसके बाद बात आती है सॉइल मीडिया की। सॉइल मीडिया के लिए दोस्तों हम तीन चीज़ों का उपयोग आएगा हमारे पास, एक बलुआर मिट्टी, दूसरा खेत की मिट्टी जिस खेत में हम प्लांट्स को लगाएंगे, और तीसरा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद। दोस्तों आप इसको ट्रीट कर सकते हैं किसी भी ट्रीटमेंट एजेंट से। उसके बाद दोस्तों प्रोटेस के अंदर इन्हें भर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कॉम्पैक्शन जो होता है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन का रेट थोड़ा सा डाउन होता है, और वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट के अंदर कॉम्पैक्ट उतना नहीं होता जिससे जर्मिनेशन अच्छा होता है। तो कोकोपीट में जर्मिनेशन सॉइल के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। दोस्तों आप सॉइल का उपयोग कर सकते हैं, मैं भी आधे सॉइल का उपयोग करता हूँ आधे कोकोपीट का उपयोग करता हूँ, तब अपने सीड जर्मिनेट करते हैं। सेकेंड थिंग, हमें नमी बना के रखनी है, तो रोज कैन से हम या फुहारे से पानी देते रहेंगे ताकि नमी बनी रहे। और तीसरा शेड के अंदर ही रखना क्योंकि मौसम ठंडा है, तो दिन में करीब हमें 10 बजे शेड को खोलना है, उसके बाद 2 या 3 बजे शेड को बंद कर देना ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। बस इतना ही करेंगे और आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर आपका जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। बीच में एनपीके दे के उनका न्यूट्रिएंट भी मेंटेन करते रहिएगा, एनपीके 19 19 19। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा।